तो आज चाउमीन बिल्कुल वैसा बना है और एकदम से मुझे उस शॉप की याद आ गई। तो चाउमीन तो यही जाने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे, और जो लोग यूएस में रहते हैं आई होप उनकी तो खुशी का ठिकाना भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड 4 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं। थर्सडे 4th of July की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे होता है यूएस का, और फ्राइडे काफ़ी लोग काम नहीं कर रहे, लाइक मेरे हस्बैंड काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने फ्राइडे का कंपेंसेशन ऑलरेडी लास्ट सैटरडे कर लिया था, मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में भी बताया था, और सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ रहता है। तो 4 दिन की एक्सटेंडेड हॉलीडेज, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, देखते हैं कितने सारे प्लान सक्सेसफुल रहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे फन ब्लॉग्स शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। आज पता है स्पेशल डे है, आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। अंशुल के एक फ्रेंड है जो उनके साथ पीएचडी में थे, वो अभी न्यूयॉर्क में जॉब करते हैं और वो शिकागो विजिट कर रहे थे, तो वो हमारे घर भी आएंगे। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम ना उन्हें बाहर ले जाएंगे डिनर कराने, बट अंशुल ने अपने फ्रेंड्स के सामने इतना ज्यादा रेव किया हुआ है कि मेरी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है, और जब वो पीएचडी में भी थे ना, कॉलेज जाते थे घर से 1 माइल दूर, मैं तब भी उनको इतना बड़ा टिफिन सारा खाना रख के देती थी, तो उनके फ्रेंड्स बहुत उनका फन बनाते थे कि तुम्हारी वाइफ तो इतना सारा कुक करके तुम्हें खाना देती है। तो उन्होंने खुद ने बोला कि हम घर में खाना खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो मेरे को तो मजा आता है कुकिंग करने में, मैं बनाऊंगी उनके लिए डिनर। बट आज की कुकिंग का एक ट्रिकी पार्ट है, पता है वो चाइनीज है, वो चाइना से है, और अगर आप लोग कभी चाइनीज रेस्टोरेंट में गए होगे तो आपको पता होगा कि चाइनीज फूड ना काफी ब्लैंड होता है, जैसे अमेरिकन फूड होता है, बिल्कुल कम नमक मसाले वगैरह कुछ भी वो लोग नहीं डालते। तो अब मुझे भी वैसा खाना उनके लिए बनाना पड़ेगा, लाइक कम मसाले वाला। और एक और इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि वो इंडियन खाना खाना चाहते हैं मेरे हाथ का, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंडियन खाना बिना मसाले वाला कैसे बना पाऊंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो स्टार्टर होगा वो चाइनीज कर लूंगी, और जो अपना जो मेन कोर्स होगा वो इंडियन ही रखूंगी, बट थोड़े से मसाले ट्राई करूंगी कि कम डालूं। सो स्टार्टर में मैंने सोचा है कि मैं ये स्प्रिंग रोल दूंगी उनको, ये 35 वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स हैं, और मैं नूडल्स बनाऊंगी, वो मैं घर में बनाऊंगी। मैं अभी अपने गार्डन से धनिया तोड़ के लाई हूँ, जैसा कि आपने देखा। एक्चुअली अगर धनिया को आप उगने देते हो ना, तो फिर वो येलो हो जाता है। मेरा पर्सनली बिल्कुल मन नहीं करता कि अपने प्लांट्स में से थोड़े से भी फूल तोड़ूं या अपना धनिया मिंट तोड़ूं, बट वो ना फिर येलो होने लग जाता है, तो वेस्ट करने से क्या फायदा, अपने होम गार्डन का है तो तोड़ ही लो, तो तोड़ लाई मैं। इंडियन खाने के लिए पनीर की सब्जी बना रही हूँ, और उसके लिए भुने हुए टमाटर और प्याज की प्योरी बनाई है मैंने, और साथ ही साथ आलू गोभी की सब्जी भी बना रही हूँ। तो बस कोशिश चल रही है कि तेल नमक मसाले सब कुछ आज कम कम रखूँ अपने खाने में। पनीर की ग्रेवी के लिए मैंने दूध का यूज किया है, इससे सब्जी काफी रिच और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी अपना इंडियन फूड बना के आई हूँ, और चाउमीन अब अंशुल बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा चाइनीज फूड बनाते हैं। एक टैक्टिक्स होती है ना कि आप हाई फ्लेम पे सारी वेजीज को सॉटे करो, और परफेक्ट सॉटे होनी चाहिए, ज़्यादा भी ना जल जाए और कम भी ना जल जाए, तो वही बनाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता चाइनीज फूड। टुडे इज द डे, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, सो मैनी न्यू थिंग्स टू लर्न एंड डू। आर यू एक्साइटेड? बताओ, आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड। हाँ, आर यू एक्साइटेड? यस। और अब बन रहा है यम यम नूडल्स, तो थोड़े से तेल में डाला है ग्रीन चिलीज, अनियन एंड कैप्सिकम। सारी वेजीज को बस थोड़ा थोड़ा ही कुक करना है हाई फ्लेम पे, जिससे इनका क्रंच बरकरार रहे।
ये वेजी मिक्स है, ग्रीन एंड रेड कैबेज एंड कैरेट्स। देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है और अभी आप लोगों को सेलिब्रेशन हो रहा है तो अभी जाकर इस वीडियो को लाइक करिए। चाउमीन ना बहुत यम बना है और इंडिया का जो स्ट्रीट फूड होता है ना उसकी याद आ गई। आपको पता है मेरे घर के पास ना एक शॉप होती थी जहाँ पे भैया 3:30-4 बजे के अराउंड स्नैक्स बनाना शुरू करते थे, जैसे समोसे, स्प्रिंग रोल और मोमोज और चाउमीन। तो पापा कई बार वहाँ से ना शाम को हम लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेके आते थे, बहुत मज़ा आता था खाने में। और वही स्ट्रीट फूड की जो फ्लेवर होता है ना वो आप सिर्फ घर में थोड़ा बहुत अचीव कर सकते हो, अगर आप बाहर कहीं खाने जाओगे तो मुझे नहीं लगता वैसा फ्लेवर आपको कहीं मिलेगा। तो आज चाउमीन ना बिल्कुल वैसा बना है और एकदम से मुझे उस शॉप की याद आ गई। उस टाइप का फूड ना, मतलब जो स्ट्रीट फूड होता है प्रॉपर, वो ना हम यहाँ बहुत मिस करते हैं, ऐसा फूड नहीं मिलता यहाँ पर। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए हैं टहलने क्योंकि इनका फ्रेंड अभी तक नहीं आया और मैं थोड़ी सी चाउमीन खाकर आई हूँ। अभी तक मेरा फ्रेंड नहीं आया है लेकिन चाउमीन आधा हो चुका है। अगर मेरा फ्रेंड आधे घंटे में नहीं आया तो चाउमीन तो यही जाने वाला है, गारंटी। मुझे चाउमीन को देख देख के इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही है ना कि बस मन कर रहा है कि उसे खा लूं मैं किसी तरह, बहुत यम बना है। ये स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे। अगर आप डाई हार्ड फैन हो स्प्रिंग रोल्स के तो शायद आपको ये ना पसंद आए। बहुत ही छोटे थे और फिलिंग भी ज़्यादा नहीं थी इनमें, बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज ओके। और डिनर के लिए मैं ये स्टोन फ्राई नान यूज़ कर रही हूँ, कॉस्को पे मिलते हैं ये, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा ही सेकने पर। अंशुल के फ्रेंड जा चुके हैं और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आज की इवनिंग बहुत अच्छी रही और पता है आपको, सरप्राइजिंगली उनको खाना भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने स्पाइसेस बहुत कम रखे थे, तो उन्होंने बहुत खुश होकर खाया और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ये लोग पता है 4 लोग आए थे साथ में PhD करने, 2 लोग अभी टेक्सास में हैं, ये न्यूयॉर्क में है और हम लोग शिकागो में हैं। हम लोग ना जब ट्यूसॉन में थे तो पूरी फैमिली की तरह रहते थे, कभी कभार गेट टुगेदर्स भी होते थे तो बहुत इन्जॉय करते थे। और PhD में शायद आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे इन्जॉयमेंट का टाइम मिलता नहीं था, तो जब भी मिलते थे ना तो बहुत ऐसा लगता था कि हम अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। और मैंने जैसा कि बताया भी था अपने किसी एक ब्लॉग में कि जब मैं नई आई थी, इधर दिखाओ, व्हाट इज दिस, बनी दिखा दो एक बार, बनी, वाह ये किसका बनी है। जब मैं नई आई थी ना तो उस टाइम पे हमारे पास कार भी नहीं थी और अंशुल बहुत बीमार पड़ गए थे उस टाइम पे, उनको H1N1 हो गया था, तो इन्हीं तीनों फ्रेंड्स ने हमको बहुत हेल्प किया था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉरेन लैंड पे आपके फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं, तो आप अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, कम फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपके दुख दर्द में, खुशी में आपका हिस्सा बन पाएं। तो बस मेरा सब काम डन हो गया है और कल छुट्टी है, 4th of July है, हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। और अब 4 दिन की छुट्टी है तो आई डोंट नो कि मुझे कितना टाइम मिलेगा व्लॉग्स एडिट करने का, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे व्लॉग्स ऑन टाइम डालती रहूं।
और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं 4th of July के। अगर आप लोगों के शॉपिंग के प्लान्स हैं तो आप लोग क्या क्या शॉप करें, जिससे कि मैं भी अपने हस्बैंड की पॉकेट से थोड़े से पैसे निकलवा पाऊँ अपने लिए, मुझे आइडियाज़ मिल जाएँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये स्वीट सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देयर इज़ अ रेड सब्सक्राइब बटन राइट डाउन देयर, प्लीज़ हिट ऑन दैट। एंड उसके साथ में एक बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कॉमेंट सेक्शन तो ओपन है, आपको पता है, उसमें आपको बहुत सारा ढेर सारा अपना प्यार भेजना है मेरे लिए, गोविंद के लिए, मेरी फैमिली के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।